हेलो एवरीवन। सो क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5√2x+10=0, वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, पी एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन फॉर इच पॉजिटिव इंटीजर्स एन, देन द वैल्यू ऑफ p17 × p20 प्लस 5√2p17 × p19 डिवाइडेड बाई p18 × p19 प्लस 5√2p18² इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है ना। सबसे पहले आपको एक तो पहला आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है एंड पी एन दिया हुआ है ना। और देखो p का जो आप देख रहे हो, जो लोअर केस में जो मतलब p के साथ जो सफिक्स लगा हुआ है वो आपका क्या लगा हुआ है यहाँ पे, 17, 18, 19, 20, मतलब कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। तो कभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले ना, ऑलवेज आपके माइंड में सबसे पहले आना चाहिए न्यूटन्स फॉर्मूला, है ना। और न्यूटन्स फॉर्मूला क्या है हमने आपको डिटेल में बता रखा है, एक बार क्विक रिकॉल कर लेते हैं। अगर मान लो आपको ax² + bx + c = 0 दिया हुआ है ना, और कोई भी रिलेशन पी एन एस एन कुछ भी हो सकता है, अगर एक रिलेशन आपको दिया हुआ अल्फा टू द पावर एन प्लस माइनस बीटा टू द पावर एन, देन आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ऐसा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला। देखो यहाँ पे ए, उसके बाद आप यहाँ पे पी एन लगा दो, प्लस बी पी एन माइनस वन एंड प्लस सी पी एन माइनस टू, मतलब एक डिक्रीज करते हुए, है ना। एक देखो ये एन के बाद एन माइनस वन, एन माइनस वन के बाद एन माइनस टू, आप पी एन प्लस वन से भी स्टार्ट करते हो, ए पी एन प्लस वन प्लस बी पी एन प्लस सी पी एन माइनस वन, ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। हाँ, अब आ गया आपके पास, देखो आपको इक्वेशन दे रखा है यहाँ पे x² + 5√2x+10=0, है ना। और आपको एक रिलेशन दे रखा है क्या, पी एन बराबर अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन। अगर आप यहाँ पे न्यूटन्स फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अप्लाई करते हो अगर न्यूटन्स फॉर्मूला, तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको पी एन प्लस वन, या फिर पी एन से स्टार्ट करते हैं ना, एन प्लस वन की पी एन से स्टार्ट कर लेते हैं ना। सो ये हो जाएगा आपका पी एन प्लस 5√2p(n-1) प्लस 10p(n-2)=0, ठीक है। अब आपको देखो क्या चाहिए यहाँ पे, अगर क्वेश्चन देखोगे आपको चाहिए p20 19, है ना, p20 चाहिए, p19 चाहिए। पहले आपको किसका वैल्यू निकालना है ना, एक बार आप लिख लो, है ना। आपको क्या चाहिए, p17 p20 प्लस 5√2p17 5√2p17 × p19, आई थिंक, है ना। हाँ, उसके बाद p18 p19 डिवाइडेड बाय p18 × p19 एंड प्लस 5√2p18² है ना, p18² ये चीज़ है। अब देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, p17 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आप कॉमन ले लो, p17 आप जैसे कॉमन लोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, p20 प्लस 5√2p19, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ से अगर आप p18 कॉमन ले लेते हो तो आपको मिलेगा p19 एंड प्लस 5√2, और ये क्या हो जाएगा p18, है ना। अब आप देखो जरा, आपको एक रिलेशन हमने यहाँ पे फाइंड आउट करा क्या, ये चीज pn प्लस 5√2pn-1 प्लस प्लस क्या है, सो प्लस 10pn-2 = 0, ठीक है। अब देखो आपको चाहिए p20 p19, अगर n के जगह पे यहाँ पे 20 रखते हो तो क्या मिलेगा, p20 प्लस 5√2p19 एंड प्लस 10p, कितना हो जाएगा ये 20 19, और ये हो जाएगा 18 = 0। अब आप बताओ यहाँ से आपका वैल्यू मिल जाएगा क्या, कुछ देखना जरा, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, p20 प्लस 5√2p19, और इसका वैल्यू क्या लिख दोगे आप, -10p18 होगा। अब आप यहाँ पे रख दो, अब आप यहाँ पे रख सकते हो, इसी तरह से
अगर एन के जगह पे आप 19 रखते हो इसमें, तो क्या मिलेगा आपको? पी 19 प्लस 5√2P18 प्लस 10P 19 स्टार्ट करा था हमने, तो 17 है ना, 17 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब आप क्या देख रहे हो, तो यहाँ से आपको मिलेगा पी 19 प्लस 5√2P18 इज इक्वल टू -10P17, करेक्ट है। अब आप जरा इसके बारे में सोचो, किसके बारे में? अब आप इसके बारे में सोचिए, जरा इसके बारे में सोचो, अब इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? तो P17 है, एक बार मैं यहाँ पे लिखता हूँ, P17 है, ठीक है, P17 इंटू, अब देखो आपके पास आ रहा है P20 प्लस 5√2P19, P20 प्लस 5√2P19 क्या लिखोगे? -10P18, -10P18 डिवाइडेड बाय, अब इसका वैल्यू, तो P18 आपका है, यहाँ पे P18 रहने दो, इंटू नेक्स्ट टर्म आपका क्या है, P19 प्लस 5√2P18 है ना, ये वैल्यू देखो, और यहाँ पे आप देखो इसको क्या लिख सकते हो, -10P17, -10P17। अब आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा होगा, P17 से P17 कट जाएगा, P18 से P18 कट जाएगा, और 10 से 10 भी, माइनस से माइनस भी, दैट मीन्स 1, राइट। सो कितना हो गया आंसर इसका? 1 विल बी द फाइनल आंसर, है ना। एक बार अगर आप न्यूटन फॉर्मूला का कंसेप्ट अच्छे से लेना चाहते हो, तो हमने आपको एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसको आप एक बार जरूर वॉच कर लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक टेक केयर, थैंक यू।